में महाराजा दक्ष प्रजापति की जन्म जयंती धूमधाम के साथ प्रजापति सेवा समिति द्वारा मनाई गई। फिरोजाबाद के रेपुरा रोड पर मोहल्ला टालपुरा में बाबा जहावीर मंदिर में पगाड़ में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभघार महासभा के बैनर तले महाराजा दक्ष प्रजापति की जन्म जयंती मनाई गई। महाराजा भगवान अध्यक्ष प्रजापति स्मृति द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अध्यक्षता श्रीराम वाईसी प्रजापति, सतीश चंद प्रजापति, शरद प्रजापति, देव प्रजापति, मुन्ना प्रजापति, डॉक्टर सुरेश प्रजापति, हरी सिंह प्रजापति, कैलाश चंद प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। बाबा क्या नाम है जो बाबा जाती श्री राम प्रजापति महाराज की लगी है? श्री राम, श्री राम। तो क्या कहना चाहेंगे अभी प्रजापति समाज के लिए, और मंदिर कहाँ बनवाया और कैसे बनवाया है? तो चर्चा का विषय बना हुआ है। बात कर लीजिए सर, क्या नाम है? आज भगवान दक्ष प्रजापति की जो जन्मभूमि मनाई गई है, क्या मैसेज प्रजापति समाज के लिए और कहाँ मनाई गई? मैं शरद कुमार प्रजापति, प्रभारी क्षेत्र विश्व हिंदू महासंघ। मैं यहाँ पर जनपद हाथ से कर के आया हूँ, और भगवान दक्ष प्रजापति के जन्म जयंती समारोह में मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ हूँ। ये जो भगवान दक्ष प्रजापति की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, ये प्रजापति समाज को पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे वंशज हैं, और इसी के साथ ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एकजुटता और समाज की अखंडता इन कार्यक्रमों से बढ़ती है, आपसी प्रेम इन कार्यक्रमों से बढ़ता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी लोगों को एक मंच पर एक जगह बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दक्ष प्रजापति की ओर से समाज में क्या मैसेज आपकी ओर से? मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भगवान दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का जब सृजन किया था, सभी सृष्टि में जो सृजन किया था, सभी जनता को उन्होंने जिस प्रकार से एक अखंडता के साथ में जिनका संचार किया था, मैं समाज से कहना चाहता हूँ उनसे सीख लेते हुए हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से अच्छे स्कूलों में उन्हें पढ़ाना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। और मैं समाज से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि राजनीति पहल में भी उनको पहल करनी चाहिए, राजनीति में भी उनको आगे आना चाहिए। जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है वो हमें लेनी चाहिए। अगर प्रदेश की बात करें तो हर जगह भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति की स्थापना है, और फिरोजाबाद में क्यों नहीं आकर? देखिए, ये बहुत, इसे मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ी विडम्बना है ये समाज की, और उनको जनपद फिरोजाबाद में प्रजापति समाज की, जिस दिन ये पूरा जनपद फिरोजाबाद का प्रजापति समाज एकजुटता से कहाँ कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा और मन में ये ठान लेगा कि हमें भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति किसी चौक या चौराहे पे लगानी है, तो ये विश्वास रखिए कि किसी की ताकत नहीं होगी कि उनके इस कार्यक्रम को वो रोक सके। वो जहाँ चाहेंगे वो वहाँ पर भगवान दक्ष प्रजापति चौक का निर्माण करेंगे। आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जन्म जयंती ठारपुटा पर महाराज जहावीर बाबा मंदिर पर मनाई जा रही है, क्योंकि ये जहावीर बाबा मंदिर प्रजापति समाज के श्रीराम प्रजापति जी ने अपनी पुस्तैनी जमीन को बेचकर ये प्रांगण बहुत सुंदर बनवाया है और समाज के लिए मैसेज दिया है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये मंदिर रहेगा और प्रजापति समाज का नाम रहेगा, श्रीराम प्रजापति जी का नाम रहेगा, इसलिए उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। उसी के उपलक्ष्य में महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जन्म जयंती इस मंदिर पर का कार्यक्रम रखा गया है और समाज के सभी बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए और ये जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन ये ठारपुटा नई आबादी इसको बोलते हैं फिरोजाबाद में। आज भगवान प्रजापति की यहाँ जन्म जयंती मनाई गई है, इसी जगह मनाई गई है, जो मंदिर चर्चाएं चल रही हैं कहाँ मंदिर बनाया गया और कैसे आपके मन में ये उद्धार आया और कैसे ये सोच? चाचा है भाई, इनने शादी ना करी, चाचा है भाई, तो ये खेत बेच के आए, तो हमने कि इनको नाम कैसे चलना चाहिए, तो इनके नाम चलावे के लिए हमने मंदिर बनवाओ जाए। अब मान लो इनको नाम चले हो जाते जब तक मंदिर रहो तब तक समाज के लिए क्या मैसेज आपके मंदिर की तरफ से? और समाज के लिए सभी पूजा करेंगे तो सबके लिए, सभी के मंदिर है पूरे समाज को ही। ये आपके मतलब कैसी जागरूकता लगी कि हमें जहावीर बाबा का मंदिर बनवाना चाहिए? देखो, जहावीर बाबा की हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनकी, जहावीर बाबा को मंदिर बनवाओ मूर्ति तो सभी ही, मान लो श्री राम को,
हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, शेरा वाली मैया हैं, भोले बाबा हैं, राजा दक्ष प्रजापति हैं, लगभग सभी हैं। आपके चाचा जी का क्या नाम था? श्री राम। तो श्री राम की स्थापना करके ये मंदिर बनवाया गया? हाँ, स्थापना कर मंदिर बनवाया गया। उनकी अचल संपत्ति को बेचने के सब इसी मंदिर में लगवा दिया? हाँ, इसी लगवा दिया। मथुरा के राजा